ने इसे पकड़ थी ना, कृष्ण ने धीरे 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 प्यार को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया वो टहनिया उठ गया ऊपर, ऊपर उठते राधा ने तो पूरा के पूरा लटक गई है, लटक गई राधा रानी। सब लोग बोले भैया ये क्या हुआ, ये टहनिया अपने आप ऊपर कैसे उठ गया है। इतने में देखा झांक करके वो पेड़ के ऊपर में कन्हैया बैठ करके वो खिलखिला कर हंस रहे। इतने में कृष्ण फिर नीचे उतर करके आए, फिर राधा रानी को गोद में उठा करके फिर नीचे उतारे। रूप गोस्वामी उन्होंने ये लीला को दर्शन कर रहे थे। इतने में जब दर्शन कर रहे थे ना, इतने में उन्होंने हंस पड़े। जब हंस पड़े इतने में उसी समय और एक जो संत थे, वो संत थे प्यार से लंगड़े, वो उधर से होते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा रूप गोस्वामी हा 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 अगर हंस रहे, उनको ऐसे लगा ओ मेरे को देख करके शायद उन्होंने हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने उनको देख रहा हंसी नहीं, किसको देख रहा हंसी, ठाकुर की लीला देख करके। अभी उनके मन में बड़ा ठेस पहुंच गया। जब उनके मन में ठेस पहुंच गई, इतने में वो तो नाराज होकर चले गए। लेकिन जब कोई साधु अगर हमारे ऊपर नाराज हो जाए ना, संत है, उसमें क्या होता है, वो अपराध से तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति रस है ना, वो रस खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक संतों की कृपा नहीं हो, कोई भक्ति कर नहीं सकते। इतने में उनके हृदय में सारे लीला दर्शन खत्म हो गई। वो तो बड़े दुखी हो गए, बहुत कोशिश की, लेकिन ठाकुर का लीला जो स्मरण हो रहा था वो हो ही नहीं रहा है। वो जाकर बड़े भाई से बोले, सनातन गोस्वामी के ऐसे ऐसे बात है, जरूर किसी संतों के चरण में अपराध हो। बोले ऐसे काम करो, तुम एक निमंत्रण दो सबको, एक भंडारा करो, आपको बड़े खुश होता आएंगे, जो खुश होगा वो नहीं आएंगे। सबको निमंत्रण दिया, सब आने के लिए तैयारी, लेकिन जो जो लंगड़े लुड़े बाबा थे ना, हाँ उनका नाम था कृष्णदास, जब उन्हें खंजर कृष्णदास, लेकिन जब उनको निमंत्रण देने के लिए गए, वो कहते हैं आप इतने बड़े संत हो, आपकी दरबार में मैं थोड़ी आ सकता हूँ, हम तो कहाँ नीचे गिरे हुए संत हैं, हमारे प्यार प्यार से हम लंगड़े लुड़े हैं, हम कहाँ आपका उत्सव में आ सकते हैं। भैया मैं नहीं आ सकता हूँ। वो समझ गए भैया कांता तो यहीं पर गड़ गई है, कांता यहीं पर गड़ी है। फिर उन्होंने उनको याद आया, जब मैं प्रभु की लीला देख करके हंस रहा था, इनको देख करके नहीं, मैं तो ठाकुर को लीला देख रहा हंस रहा था, लेकिन इन्होंने अपना ऊपर में उन्होंने ले लिया। फिर उन्होंने माफी मांगे, प्रणाम किया, माफी मांगे, बाबा आपको देख करके मैंने हंसी नहीं उड़ाए, मैं तो ठाकुर को देख करके हंस रहा था। फिर वो समझ गए इनकी चरण में मेरी अपराध हो गई, वो समझ गए इनकी चरण में हमारी अपराध हो गई। फिर दोनों दोनों को चरण में गिर करके माफी मांगी। इसलिए देखना, जैसे हम तुलसी परिक्रमा करते हैं, जब जय ध्वनि हो जाता है ना, हम बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव, हम बोलते हैं ना, मतलब सारे वैष्णव के चरण में, जान और अनजान में, इन्होंने अनजान में हो गया तब भी उनके हृदय की लीला खत्म हो गई, अपराध हो गया। अगर जानबूझकर अगर किसी संतों के चरण में अपराध हो जाए तो बड़ा खतरा चीज है भक्ति जगत में। इसलिए हम रोज सब संतों को प्रणाम करते हैं, अगर जान अनजान में अगर कहीं हमारी अपराध हो गया, अब लोग सब हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, जैसे हमारे हृदय में भक्ति का बीज हाँ जैसे पनपनाते हुए बढ़े, इसलिए नियम है। इसलिए हमारे श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर पता चले किसी वैष्णव चरण अपराध हो गया, कभी शर्मा नहीं करना, अरे इनको पास में जाकर माफी कैसे मांगेंगे, हमसे छोटे, हमसे ये, कहते नहीं, कहते भैया ऐसे नहीं। इसलिए जब सची माँ हाँ सची माँ को महाप्रभु बोले तुम्हारी वैष्णव अपराध हुआ है, बोले कहाँ पर, बोले अद्वैत आचार्य चरण में, अद्वैत उनका बेटा है, लेकिन माँ होकर के बेटे के चरण में माफी मांगने के लिए गए हैं। इसलिए श्री श्रीवास आचार्य के चरण में गोपाल चापाल ने अपराध किया है, हैं अपराध किया, उनको कुष्ठ कूड़ हो गया, हाथ कान नाक गल गया, पर महाप्रभु के पास में गया माफी मांगने के लिए, बोले देखो भैया प्यार में कांटा चुभ जाए ना, सर में नहीं निकला, प्यार से निकलेगा, तुमने मेरे चरण में अपराध नहीं, तुमने श्रीवास चरण में अपराध किया, जाओ वहीं पर जाओ। फिर उन्होंने जाकर के उनके चरण में माफी मांगते हैं।
इसलिए कहते अगर किसी वैष्णव चरण अपराध हो जाए ना, माफी मांग करके फिर आगे भक्ति में बढ़नी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 जो हरिनाम में रुचि नहीं लगेगा, भगवान की भक्ति में जो उत्साह नहीं रहेगा, उत्साह खत्म हो जाएगी, हाँ भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, हैं। इसलिए शिक्षा देते हैं अपराध हो जाए तो माफी। और यहीं पर ही कहते श्रीमद भागवत कथा, यहीं पर उद्धव जी महिषियों को यहीं पर एक महीना तक कथा सुनाई, एक महीना तक यहीं पर उन्होंने कथा सुनाई। जब उन्होंने कथा सुनाए फिर तो क्या हुआ, भागवत से स्वयं कृष्ण अपना परिकरों के साथ में भागवत से स्वयं कृष्ण प्रकटित हुए, और प्रकटित होकर के सारे को सारे मिल करके सबके सब बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, सबके सब कीर्तन करने लग गए। और यहीं पर कृष्ण दर्शन, हाँ भागवत से कृष्ण प्रकट हुए, महिषियों ने कृष्ण का दर्शन यहीं पर उन्होंने किए, और कृष्ण विरह जो था ना, फिर वो विरह यहीं पर उनका शांत हुआ है, हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत, यहीं पर नारद जी तपस्या किए हैं, यहीं पर सब ब्रज कृष्ण राधा रानी को रत्न वेदी के ऊपर बैठा करके पूरा वृंदावन में उन्होंने प्रचार किया, आज से ब्रज का जो रानी है कौन है, श्री राधा रानी, उन्होंने प्रचार किया यहाँ पर रत्न वेदी। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर ठाकुर जी मधुर मधुर मीठा मीठा उन्होंने लीला नहीं किया, ठीक है। बसी वृंदावन बिहारी लाल की, बसी कुसुम सरोवर की, बसी उद्धव कियारी कुंड की, बसी नारद कुंड की, रत्न वेदी की, श्याम तलैया की, निताई गौर ब्रह्मानंदे।